अगर आपका बजट है 30,000 तक का और आप एक प्लान कर रहे हो एक ऐसा स्मार्टफोन जो आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे से प्रोवाइड करे, चाहे वो बात हो डिस्प्ले क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, अगर हम बात करें बैटरी क्वालिटी की भी या फिर कैमरा क्वालिटी की भी। दोनों स्मार्टफोन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ आईफोन XR वर्सेज आईफोन 11 के साथ। ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कैटेगरी में भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें जो है काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स इन दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें फीचर्स या फिर स्पेसिफिकेशन की, ये जो दोनों स्मार्टफोन की सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजिंग है कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। क्या हमें आईफोन XR 2023 में प्लान करना चाहिए या फिर आपको उसको अलावा आईफोन 11 की तरफ जाना चाहिए जो कि आपको एक लेटेस्ट मॉडल XR से ऊपर देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट है 30,000 के अंडर तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। तो अगर आप प्लान ले रहे हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेने का तो डेफिनेटली काफी प्रोडक्ट हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसिंग की, यहाँ पर जो आईफोन XR है उसकी प्राइसिंग हमें 23,000 तक देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर बात करें आईफोन 11 की, वहाँ पर उस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो हमें देखने को मिलती है 28,000 रुपीज़। तो क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने चाहिए 5,000? क्या फीचर्स हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं? पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों स्मार्टफोन एक 4G कैटेगरी के स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन दोनों ही नहीं देखने को मिलते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा और एक ही डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन में, वो है अल्ट्रा वाइड लेंस जो कि हमें आईफोन 11 में देखने को मिलता है, वो हमें आईफोन XR में नहीं देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, बिल्कुल सेम है, डिस्प्ले साइज़ भी बिल्कुल सेम है, डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है। 6.1 इंचेस की हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एक रेटिना पैनल देखने को मिलता है और यहाँ पर बैक साइड में हमें जो है 11 में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वहीं पर XR में आपको एक सिंगल कैमरा सेटअप के साथ हमें आईफोन XR देखने को मिलता है। बट क्या आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने चाहिए? यहाँ पर अगर बात करें चिपसेट की, यहाँ पर चिपसेट में सिर्फ आपको एक चिपसेट का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, बट अगर बात करूँ जनरल एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा इशू जो है वो आपको फेस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप रिकॉग्नाइज करने का प्लान भी कर रहे हो कि आपको जो है रिकॉग्नाइज हो जाए कि किसमें आपको गेमिंग लाइफ अच्छी देखने को मिलती है, तो दोनों स्मार्टफोन्स की जो गेमिंग लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हमें देखने को मिलती है। आपको दोनों डिवाइसेज में एक रैम मैनेजमेंट भी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सो गेमिंग वाइज भी दोनों स्मार्टफोन्स बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटी की, जो कि एक काफ़ी मेजर पॉइंट है, अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करते हो, यानी कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप वीडियोग्राफी शूट करते हो, फोटोग्राफी शूट करते हो या फिर व्लॉगिंग करते हो, तो आपको अल्ट्रा वाइड लेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ सकती है। और व्लॉगिंग के मामले में अगर मैं बात करूँ तो इसका फ्रंट कैमरा आईफोन 11 का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि हमें 12 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, बट आईफोन XR में एक ओल्ड जनरेशन 7 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। और आईफोन 11 में हमें 4K 60fps की सभी कैमरेज में वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, बट आईफोन XR में वो हमें नहीं देखने को मिलती है। मगर अगर मैं बात करूँ लास्ट फाइनल ओपिनियन की, आपको जो है अगर आप कैमरा क्वालिटी चूज़ करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल आपको वर्थ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि हमें आईफोन 11 में देखने को मिलते हैं इंस्टेड ऑफ आईफोन XR से। अगर हम बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो बैटरी के मामले में आप दोनों स्मार्टफोन्स पे कोई स्मार्टफोन भी चूज़ कर सकते हो, आप आईफोन XR भी बाई कर सकते हो या फिर आईफोन 11 भी बाई कर सकते हो। लास्ट और फाइनल पे अगर मैं बताऊँ तो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपका बजट है 23,000 तक का, 25,000 तक का या फिर अंडर 30,000 तक का, अगर आप पैसे स्पेंड करना चाहते हो तो आप आईफोन 11 को ले सकते हो। अगर आपका मेन मोटिव है कैमरा क्वालिटी तब भी आप आईफोन 11 को चूज़ करें, नहीं तो आपको आईफोन XR भी बिल्कुल सेम पैकेज के साथ देखने को मिलता है, आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए वर्थ हो तो आप स्पेंड कर सकते हो, पर वो कैमरा क्वालिटी इतनी ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है, तो आप आईफोन XR को बाई कर सकते हो, आपको बिल्कुल सेम क्वालिटी प्रोवाइड करेगा आईफोन XR भी। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैमरा क्वालिटी चाहिए या फिर आप 5,000 स्पेंड करना नहीं चाहते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना, क्या कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सकते। मिलते अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।